84 के जो राइड्स हुए हैं जो पंजाब दिल्ली में, वहाँ से इस कहानी ने जन्म लिया। जैसे कहते हैं कि बदलता है आसमान रंग कैसे कैसे, बादल को आप देखेंगे आकाश की तरफ तो उसके शेड्स अलग होंगे, ऐसे ही ये करेक्टर है 1984 से जो प्रेरित है कि उसकी ज़िंदगी के कलर डिफरेंट हुए हैं कैसे। इट्स मिक्सचर ऑफ बोथ द ऑडियंस, तो मुझे नहीं लगता इस फिल्म में हमको ये बोल सकते हैं कि मासेस की है या क्लासेस की है, नहीं, ये फिल्म इट्स फॉर ऑल। निर्देशक राजकुमार को सलीम ने पहली बार साइन किया है। I'm very happy working with him because he's a very good director to work with. As people have seen his earlier films also, he is in the true sense Hindi film director with all the melodrama and the masala and everything in his films. फिल्म के बाकी कलाकार होते हुए भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। आशुतोष राणा इज प्लेइंग मेन विलन एंड इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा गिफ्ट है एज ए विलन आशुतोष राणा, उसके साथ काम करने के बाद ये लगा मुझे। एंड उसने जो मेरा करेक्टर है फिल्म के अंदर, इसे TIG, तो बहुत अच्छा निभाया है और बहुत अच्छा किया है। इट टॉक्स अबाउट दिस रियल लाइफ कैरेक्टर आतंकवादी को इस जन्म से नहीं टेररिस्ट एंड व्हाई पीपल बिकम टेररिस्ट। इसी मुद्दे को बेसिक आईडिया इज दैट नोबडी इज बोर्न अ टेररिस्ट, नोबडी इज बोर्न डूइंग एनी क्राइम, इट्स जस्ट दैट सर्कमस्टेंसेस, सोशल इश्यूज, पीपल मेक हिम अ टेररिस्ट।